हेलो फ्रेंड्स एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मैक्सिमा कैरियर पॉइंट सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एफसैलन नेबरहुड व्हाट इज़ एफसेलन नेबरहुड वी ऑलरेडी डिस्कस टू लेक्चर्स ऑन रियल एनालिसिस अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देख रखा तो आप पहले वो कवर अप कर लो देन वी गो टू नेक्स्ट देट इज़ एफ नेबरहुड इट इज़ वेरी बेसिक कंसेप्ट एंड इससे हम उसके बाद जो हम ओपन सेट हुआ या क्लोज सेट जो भी हम पढ़ेंगे वो एबसाइला नेबरहुड से रिलेटेड होगा तो ये कंसेप्ट को आप अच्छे से समझने को ट्राई करना अगर आपको कहीं इस पर दिक्कत लगे तो आप वीडियो को फिर नेक्स्ट से प्ले करके देख लेना या तो फिर आप कोई सा बुक को मतलब बुक को प्रेफर कर सकते हो और उसके डेफिनेशन को अच्छे से समझने को कोशिश करना ओके तो चलिए ये पढ़ते हैं कि एफसाइलन नेबरहुड होता क्या है ओके तो हम एफन नेबरहुड को एफसाइलन एन बी डी भी लिखते हैं शॉर्टकट है ओके शॉर्टकट यूज करते हैं जेनली लेकिन आप एफसाइलन नेबरहुड प्रनाउंस करते हैं तो लेट ए बिलोंग्स टू आर ए एक, एक रियल नंबर है एंड और एफसाइलन एक पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव रियल नंबर कुछ भी ले लो एपसाइलन को

वो एफसाइलन नेबरहुड बनेगा मतलब कि एक या अगर हम एफसाइलन नेबरहुड निकालते हैं तो मैं आपको ग्राफिकली थोड़ा फील दिखाती हूँ लाइक इसका ये जो एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन एफसाइलन ये जो बोल रहा है एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन अपसाइलन ओके तो मैं इसे बोल सकती हूँ कि माइनस एफसाइलन लेस देन एक्स माइनस है लेस देनसाइलन ओके तो मैं अगर बोथ साइड ए को ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा माइनस एफ साइलन प्लस ए लेस देन एक्स लेस देन एफ साइलन प्लस ए दैट मीन्स कि एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस एफ साइलन से ए प्लस एफ साइलन ओके वो बोल रहा है कि एक नंबर उसके नेबरहुड में कब बिलोंग करता है लाइक like, ये एक सेट है वी एफ्साइलन है मैं डिफाइन कर रही हूँ वी एफसाइलन ए हैं और ये सपोज कि मेरा ये एक एलिमेंट है जो कि मैं बोलूँगा कि ये नेबरहुड ऑफ ए ये का नेबरहुड क्या बनेगा उसका मैं अगर एफसाइलन डिस्टेंस में ले लूँ एफसाइलन एक स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर होता है तो उसके पॉजिटिव साइड में लाइक ए प्लस एफसाइलन ये हो गया और ए माइनस एफसाइलन मेरा ये हो गया ओके तो ए प्लस अपसाइलन और ए माइनस अप्साइलन जो एक्स टर्म है उसमें बिलोंग करना चाहिए ओके तो यह आपको डिफिनेशन क्लियर हुआ होगा दैट मीन्स ये बोल रहा है कि लेट ए बिलोंग्स टू आर ए हमारा रियल नंबर है एंड एप्साइलन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है देन एफ्साइलन नेबरहुड ऑफ इज अ सेट वो एफ्साइलन नेबरहुड ऑफ सेट क्या है वो सेट वो रियल नंबर के कलेक्शन जिसका डिस्टेंस एप्स मतलब ए के नेबरहुड में जिसका डिस्टेंस एफसाइलन से भी कम हो जैसे कि ये यह, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है सपोज कि ए प्लस एफसाइलन है ए पॉइंट ए पॉइंट समथिंग कुछ भी अगर वो आ रहा तो वो वो एलिमेंट क्या होगा मेरा एफ्साइलन के नेबरहुड में बिलोंग्स कर जाएगा ओके एप्सिलॉन को हम चेंज कर सकते हैं और एप्सिलॉन बहुत छोटा सा क्वांटिटी है लाइक मैंने एप्सिलॉन को ज़ीरो पॉइंट फाइव ले लिया ओके और मैं एक एलिमेंट ली ए मतलब कि ए इंटू ज़ीरो पॉइंट टू इस टाइप का जीरो पॉइंट टू ए जीरो पॉइंट टू है तो ये मेरे इस नेबरहुड में तो आ ही रहा है क्योंकि ये ए है और ए से जीरो पॉइंट फाइव डिस्टेंस में इधर मूव करूँगी और माय मतलब कि जीरो पॉइंट फाइव इधर भी मूव कर सकती हूँ तो ये एलिमेंट मेरा नेबरहुड में बिलोंग्स कर जाएगा वैसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट नेबरहुड में आ रहा है ओके और ये बात आप ध्यान में रखना आ, कि एक अगर इंटरवल है इंटरवल मतलब हम तो बचपन से पढ़ रखा है इंटरवल क्या होता है ए बी जैसे हम ये लिखते हैं ये एक इंटरवल है ओके इसका नोटेशन है ए लेस देन एक्स लेस देन बी वो रियल नंबर जो ए से बड़े हों और बी से स्ट्रिक्टली छोटे हों ऐसा नहीं कि इक्वल हो हम सारे इंटरवल को डिफाइन करते थे क्लोज ए भी हुआ दैट मीन्स कि क्या होता है मेरा ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी वो ए के भी इक्वल हो सकता बी के भी इक्वल हो सकता ओके okay? और अगर यहाँ पे ओपन है तो वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा इन इक्वालिटी मीन्स कि हमारा इक्वल जो एक के इक्वल कोई भी एलिमेंट वो सेट में नहीं आएगा ओके तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही थी कि ये हम हमें याद रखना है और एक इंटरवल में अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आते हैं ओके काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी मैंने तो नहीं पढ़ा है मीन्स कि आपके सिलेबस में वैसे मैंसन नहीं था लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये मतलब कि सबसे पहले ही पढ़ाते हैं कि काउंटेबिलिटी क्या होता है अनकाउंटेबिलिटी क्या होता है तो आप ये याद रख सकते हो क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपके कोर्स में ऐसा उतना नीड नहीं है आ, लेकिन आप ये याद रखो कि एक इंटरवल्स में अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आते हैं इधर वो ओपन इंटरवल हो या फिर क्लोज इंटरवल हो या सेमी ओपन या सेमी क्लोज हो ओके तो चलिए एक थियरम है इसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ तो थ्योरम ये है आ, लेट ए बिलोंग्स टू आर ए एक मेरा रियल नंबर है इफ़ एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ वी अपन ए दैट मीन्स की एक तो एलिमेंट है जो कि A के नेबरहुड में लाइक कर रहा है सपोज़ कि ए है और ए का नेबरहुड मेरा ये बनेगा तो एक्स जो है वो मेरा ए के नेबरहुड में बिलोंग्स कर रहा है फॉर एवरी अप्साइडन पॉजिटिव तुम कोई सा भी अपसाइडन उठा लो तो उसके लिए वो एक्स हमारा नेबरहुड में लाइक कर रहा दैट मीन्स कि एक्स ए के इक्वल होगा ये हमें प्रूव करना है ओके okay? तो एक्स ए के इक्वल होगा दैट मीन्स कि इनका जो डिस्टेंस है बहुत छोटा हो जाएगा पूरा अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो ओके ये एक्स और ए के डिस्टेंस दैट मीन्स एक्स इक्वल टू तो ए का मतलब क्या एक्स माइनस है इक्वल टू तो जीरो मतलब कि इन दोनों का डिस्टेंस ज़ीरो ऑलमोस्ट जीरो, जीरो पॉइंट समथिंग जीरो जीरो ज़ीरो जीरो वन इस टाइप का बन जाएगा ओके तो मैंने प्रीवियस में एक थ्योरम डिस्कस कर रखा है अच्छा चलो मैं बताती हूँ कि एक्स माइनस ए का मॉड सॉरी एक्स इज इक्वल टू ए दैट मीन्स ये बोला है कि एक्स मेरे ए के नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस अपसेलन और ए प्लस अपसेलन ये उसने दे रखा है अच्छा तो मैं लिख सकती हूँ एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन अपसेलन क्योंकि ये इम्प्लाई करता है कि ए माइनस अपसेल लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस अपसेलन ये कर सकती हूँ ना मैं तो इससे मैं अगर बोथ साइड अपसाइलन सॉरी माइनस एक कर दूँ तो ये आ जाएगा दैट मीन्स मेरा क्या बोल रहा है मेरा बोल रहा है कि एक्स माइनस एक का मॉड वो लेस देन इक्वल टू एपसाइलन फॉर एवरी फॉर एवरी एब्साइलन पॉजिटिव हर एप पॉजिटिव एफसाइलन के लिए हम बोल सकते हैं ओके और कल मैंने एक थ्योरम करवा रखा था मैं लिख देती हूँ क्योंकि आपको याद नहीं होगा वैसे पर्टिकुलर इफ वो थ्योरम है बिलोंग्स टू आर सच दैट जीरो लेस देन इक्वल टू ए लेस देन एफसाइलन फॉर एवरी अपसाइलन पॉजिटिव देन मेरा ए ज़ीरो के इक्वल होता था ओके तो यहाँ पे वैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ से देख ये मेरा क्या इम्प्लाई कर रहा कि एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन एफसाइलन है तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ ना यहाँ पे क्या था मेरा ए का ए लेस देन एफसाइलन था दैट मीन्स कि ए माइनस जीरो का मॉड लेस देन अपसाइलन बन रहा था ना यहाँ से मैं अप्लाई कर सकती हूँ अच्छा तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि तो मैं यहाँ से बोल दी ए माइनस ज़ीरो का मॉड लेस देन अपसाइलन तो मैं लिख सकती हूँ कि ए इक्वल टू जीरो ये थियोरम मुझे बता रहा ना कि अगर इन दोनों का डिस्टेंस अपसाइलन से छोटा बनेगा तो ए मेरा इक्वल टू ज़ीरो होगा और अगर मैं यहाँ से लिखूँ कि एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन है सॉरी है में लिख सकती हूँ ना x इज इक्वल टू एग्जैक्ट इक्वल नहीं बनेगा बट अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो तो बन ही जाएगा मैं कुछ नेबरहुड के ऊपर एग्जाम्पल करवा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए ओके तो एक एग्जाम्पल है हमारा क्वेश्चन ये है u एक सेट है और u ऐसा सेट का कलेक्शन है जिसके कि जीरो और वन के बीच में जो एक्स लाई करते हैं ओके तो बोला है कि नेबरहुड आपको एन बी डी ऑफ यू निकालना है एन बी डी ऑफ यू आपका क्या बनेगा ओके तो देखो मैं एक पॉइंट चूज़ की सपोज़ ये ग्राफिकली थोड़ा ऑब्जर्व करना ओके देखो मैं एक पॉइंट ली सपोज़ की ये पॉइंट ले ली ओके और इसका ये पॉइंट ए है और ई का नेबरहुड मेरा क्या बन रहा है ए माइनस अपसाइलन और ए प्लस अपसाइलन ओके तो उसका नेबरहुड तो मेरे इस इंटरवल के अंदर ही आ जा रहा है ओके आ रहा है ना तो ए पॉइंट तो मेरा सेट में बिलोंग कर गया ओके अच्छा आपको लग कहाँ पे रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है कि ये पॉइंट मेरा सेट में नहीं आएगा अच्छा एंड पॉइंट एंड पॉइंट ज़ीरो है तो एग्जैक्ट जीरो तो ले नहीं सकते क्योंकि ओपन इंटरवल है ओके तो सपोज़ कि मैं ज़ीरो को ली ओपन इंटरवल यू में बिलोंग्स करता है या फिर नहीं करता है तो एग्जैक्ट ज़ीरो तो कभी मेरा आ ही नहीं सकता एग्जैक्ट जीरो तो मेरा सेट में कभी नहीं आएगा ना क्योंकि मेरा सेट ही ओपन इंटरवल है तो मैं देखूँगी कि जीरो माइनस अप्साइलन और ज़ीरो प्लस अपसाइलन बिलोंग्स टू माय सेट क्या ये जो इंटरवल बनेगा वो मेरा सेट में आएगा दैट मीन्स कि यू में कंटेन होगा ये जो ये जो पूरा होल है ये मेरा यू गिवन है तो मैंने देखा कि ज़ीरो को एप्सिलॉन पॉइंट में ले ली तो देखिए कि वो तो सेट में आ रहा है क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना कि मेरा इंटरवल कहाँ पे ख़त्म हुआ है क्योंकि हम ए ज़ीरो को तो ले नहीं रहे क्योंकि ओपन इंटरवल है और सिमिलरली फॉर वन और वन के नेबरहुड में हमने देखा तो वन का नेबरहुड जो बन रहा था वन माइनस अपसाइलेंट और वन प्लस अपसाइलेंट वो भी यू में बिलोंग्स कर रहा था दैट मीन्स कि मेरे सेट के सारे एलिमेंट्स नेबरहुड ऑफ यू में आ गए तो एन बी डी ऑफ यू मेरा क्या बन गया एन बी डी ऑफ यू वही सेट बन गया जो गिवन सेट है लेस देन वन इसको मैं ओपन इंटरवल जीरो वन से भी डिनोट कर सकती हूँ ओके अच्छा और एक एग्जांपल देखिए अगर यू आपको क्लोज इंटरवल रहता लाइक क्लोज इंटरवल ए कॉर्मा भी ज़ीरो कॉर्मा वन में ले लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए uh, इस टाइप का क्लोज ज़ीरो क्लोज वन अच्छा मैं ज़ीरो ले ली मेरे साथ यहाँ के तो सारे पॉइंट्स मेरे आ जाएंगे सेट में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बचा मेरा एंड पॉइंट जीरो बिलोंग्स टू यू और जीरो डजेंट बिलोंग्स टू यू क्या बोल सकते हैं अच्छा तो नेबरहुड का डेफिनेशन क्या होता है कि जीरो का जो एफ्साइलन नेबरहुड हो वो यू में कंटेन हो जाए दैट मीन्स कि जीरो माइनस अप्साइलन और ज़ीरो प्लस अपसाइलन कंटेंड इन यू ओके तो ज़ीरो देखो जीरो माइनस एफसाइलन तो मेरा सेट में आ रहा बट में जीरो प्लस एफसाइन सॉरी ज़ीरो प्लस एफसाइलन मेरे सेट में आ रहा लेकिन जीरो माइनस एफसाइलन क्या मेरे सेट में बिलोंग कर रहा क्योंकि ये तो क्लोज इंटरवल है और जीरो के बाद मेरा सेट में कोई एलिमेंट्स ही नहीं आएंगे पॉइंट समथिंग भी नहीं आएगा दैट मीन्स कि ज़ीरो तो मेरा यू में आ ही नहीं रहा है नहीं आ रहा ना क्योंकि ये पॉइंट्स तो मेरे रह ही जाएंगे और ये पॉइंट्स रह जाएंगे तो फिर नेबरहुड में वो लाइक कैसे कर रहा है डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि ए माइनस और ए प्लस हमारा पूरे सेट में आना चाहिए यू में कंटेंट होना चाहिए तो यहां पे क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है one, one अब सोचो क्या होगा आप खुद से दिमाग लगाओ कि अगर मैं इसका नेबरहुड ले लूँ तो इसका ए वन माइनस अफसाइलन तो सेट में आ रहा लेकिन वन प्लस अफसाइलन क्या मेरा सेट में आ रहा है सोचो तो वो नहीं आ रहा दैट मीन्स कि मेरा वन भी यू में नहीं लाई करेगा तो नेबरहुड ऑफ यू मेरा क्या बन जाएगा ओपन इंटरवल जीरो से वन ओके okay? अगर ये आप एज अ रिजल्ट याद कर लो ऐसा तो बीएससी में हमें सारी चीज़ों को प्रूव लिखना ही पड़ता है एंट्रेंस में आपको काम में आएगा कि अगर वो ओपन इंटरवल है ए कॉमा भी तो सारे एलिमेंट्स उसके नेबरहुड में बिलोंग्स कर जाएंगे। और अगर सेट क्लोज इंटरवल है तो एंड पॉइंट्स हमारे नेबरहुड में नहीं आएंगे ओके नेबरहुड में नहीं लाई करेंगे और इसका जो नेबरहुड बनेगा वो ओपन इंटरवल ए कॉमा होगा ओके आई होप कि आपको ये नेबरहुड का कॉन्सेप्ट समझ में आओ उसके बाद हम कुछ नए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग